नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TGN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से आ रही है। आपको बता दें कि महोबा में T24 की खबर का असर दमदार हुआ है। आज महोबा जनपद के श्रीनगर कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर दो समुदायों में हुए विवाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। हिंदू महिला श्रद्धालुओं के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशेष समुदाय के 8 अराजक तत्वों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं नरेंद्र गंगेरे, जिला उपाध्यक्ष विष्णु परिषद हूँ। जी जी, मेरी और जिले के पदाधिकारियों से भी बात हो गई है। जी, हमारी मांग ये है कि जब तक ये सभी अपराधी जिनके हम नाम दे रहे हैं, जब तक वो थाने में पकड़ के नहीं आते हैं, श्रीनगर में क्या जिले में मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। घटना क्या हुई है और कहाँ की घटना है? घटना भाई साहब श्रीनगर की है, और मेन मार्केट में भूरे सौदागर की दुकान के सामने जैसे ही देवी जी का ट्रैक्टर आया, उसमें हमारी दुर्गा वाहिनी की कुछ बहनें थी, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, विष्णु परिषद के एक दो लोग कार्यकर्ता थे, वो आपस में गुलाल लगा रहे थे, तड़क रहे थे, कुछ गुलाल उनके ऊपर उड़ गई होगी। दुकान खुली थी उनकी, उन्होंने सीधे कुछ नहीं बोले, वो सीधा उन्होंने माता के ऊपर झाड़ू फेंकी, जूठा केला फेंका। हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज किया कि ये गलत कर रहे हो आप। वो लोग मारने लगे, बहनों को मारा, हमारी लड़कों को मारा। वो ये बहुत संख्या, हम लोगों की बहुत संख्या कम थी, मैं भी, और उसके बाद ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए, देवी जी के ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए, और वो जो हमारे केला के पत्तों से जो सजा था पंडाल, वो सब तोड़ मारा, देवी जी को भी तोड़ने लगे। तब कहीं हमारे सब लोग उन्होंने उनको पकड़ के छीना झपटी की, तो वो तलवार और डंडा भी लेकर के निकले मारने के लिए। तो हमारी मांग यही है कि जब अपराधियों को यहाँ पकड़ लिया जाए, यहाँ बैठ जाए थाने में, उसके बाद पूरे जिले में मूर्ति का विसर्जन हो। श्रीनगर पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने कुछ कार्रवाई वहाँ पे की अभी तक नहीं की? श्रीनगर पुलिस मौके पे पहुंची, दो अपराधियों को पकड़ के लाई है हमने, और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस का दबाव। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में बाजार में मां दुर्गा की विजयदशमी के दिन मूर्तियां ट्रैक्टर ट्राली में रखकर विसर्जन के लिए जा रही थी, तभी मूर्तियों के साथ साथ तमाम महिला श्रद्धालुओं की विदाई समारोह कार्यक्रम में नाच गाकर उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान कस्बे के ही इकबाल साहिल रजिया आशिक के ऊपर कुछ गुलाल की छींटे पड़ जाने पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा आपत्ति को लेकर हिंदू महिला श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी, मगर बुरा सानू और पप्पू भैया ट्रेलर साहिल आशिक ने मिलकर महिला श्रद्धालुओं को घेराबंदी कर मारपीट शुरू कर दी, और जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ गया है। वहीं पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले को लेकर सत्यम कुमार अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, श्रीनगर थाना क्षेत्र में किस तरह की घटना हुई थी और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? आज प्रातः जो है मूर्ति विसर्जन के दौरान जनपद महोबा में श्रीनगर थाना अंतर्गत एक लड़की की जो उसने जो गुलाल दूसरे पक्ष की ऊपर डाल दिया, इसको लेकर के मारपीट की घटना हुई, और जिसने मारपीट की है उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और पुलिस बल की तैनाती है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? 8 लोगों के